नमस्कार किसान भाइयों, मैं पवन और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पवन ग्रुप एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, धान विश्व की तीन महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसलों में से एक है, जो कि 2.5 बिलियन लोगों का मुख्य भोजन है। इसकी खेती विश्व में लगभग 150 मिलियन हेक्टेयर एवं एशिया में 135 मिलियन हेक्टेयर में की जाती है। भारतवर्ष में लगभग 44 मिलियन हेक्टेयर तथा उत्तर प्रदेश में करीब 5.9 मिलियन हेक्टेयर में धान की खेती विभिन्न परिस्थितियों में की जाती है। तो किसान भाइयों, हम इस वीडियो में बात करेंगे धान की पांच प्रमुख सुगंधित प्रजातियों के बारे में। पहली प्रजाति है नरेंद्र लाल मती। यह 105 से 110 दिन की प्रजाति है, जो 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार देती है। यह धान मध्यम महीन, इसका चावल हल्का लाल और इसमें चावल की जो मिलिंग परसेंटेज है वो 44% है। यह धान मध्यम सुगंधित है। दूसरी प्रजाति है कस्तूरी। यह 115 से 125 दिन में पककर तैयार हो जाती है और इसका पैदावार 30 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसका धान महीन लंबा होता है और इसका चावल महीन सफ़ेद होता है और इसमें जो इसके चावल की मिलिंग परसेंटेज है वो है 44%। यह जीवाणु झुलसा एवं झोंका रोग ग्राही होता है। धान की तीसरी प्रजाति है पूफा बासमती 1। यह 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है और इसका पैदावार 35 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। इसका धान महीन लंबा और चावल महीन सफ़ेद होता है। यह इसमें जो चावल की मिलिंग परसेंट है वह है 68%। चौथी प्रजाति है हरियाणा बासमती 1, जो 140 दिन में पककर तैयार हो जाती है और इसका पैदावार 35 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। इसका धान लंबा पतला होता है और चावल महीन सफ़ेद होता है। यह हरे फुदके के लिए प्रतिरोधी है। पांचवी प्रजाति है बासमती 370, जो 135 दिन में पककर तैयार हो जाती है और इसका पैदावार 22 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। इसका धान पतला लंबा होता है और इसका चावल महीन सफ़ेद होता है। इसकी खेती संपूर्ण उत्तर प्रदेश में की जा सकती है। तो किसान भाइयों, हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से जरूर लाभ प्राप्त होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे ये जानकारी दूसरे किसान भाइयों को भी प्राप्त हो सके। स्वस्थ रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय जवान जय किसान। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पवन ग्रुप एग्रीकल्चर को।